टीम इंडिया की 15 सदस्यीय टीम में अब कोई बदलाव नहीं होगा। बीसीसीआई के मेन सिलेक्टर एमएसके प्रसाद के मुताबिक हरफन मोला खिलाड़ी केदार जाधव भी एकदम फिट है। आईपीएल 2019 के लीग मैच के दौरान केदार जाधव के कंधे में चोट आई थी, लेकिन केदार जाधव और टीम इंडिया के फिजियो पैट्रिक फरहार्ट ने मिलकर चोट को मात दी। चोट के बाद केदार जाधव चेन्नई सुपर किंग्स के लिए प्लेऑफ और फाइनल मैच नहीं खेल पाए थे। ऐसे में कहा जा रहा था कि वो इंग्लैंड दौरे पर फिटनेस की वजह से शुरुआती मैचों को मिस कर सकते हैं, लेकिन एमएसके प्रसाद को केदार जाधव का मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया है और वो एकदम फिट है। एमएसके प्रसाद ने कहा, हमें केदार जाधव के फिट होने का मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया है, इसलिए हम उन्हें वर्ल्ड कप के लिए फिट करार देते हैं और हम इससे सेटिस्फाइड हैं। ऐसे में केदार साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप के आगाज मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ साथ बीसीसीआई ने यह भी कहा कि अब भारत की 15 सदस्यीय टीम में कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। 23 मई से पहले कोई भी टीम आईसीसी की परमिशन के बिना बदलाव कर सकती है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नहीं चाहता कि टीम में कोई बदलाव हो। हालांकि अगर बाद में कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो फिर आईसीसी के परमिशन के बाद उसे रिप्लेस किया जाएगा।